हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि कुमारी। आई एम ड्राइंग टीचर एंड आर्ट इंस्ट्रक्टर। मैं एक ड्राइंग टीचर हूं और वेस्ट बंगाल में लगभग 15 सालों से ड्राइंग सिखा रही हूं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड बंगाल यूनिवर्सिटी से मेरे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, टॉपिक के बारे में कि फ़र्स्ट डे बच्चों को किस तरह की ड्राइंग सिखानी चाहिए, या फिर फर्स्ट डे बच्चे क्या ड्राइंग करें, या फर्स्ट डे क्या करना चाहिए। अभी ड्राइंग इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि बच्चे को अगर एक पेज लिखने दिया जाए तो साथ में एक पेज ड्राइंग करने भी मिलती है, ताकि बच्चे का हैंड फ्री हो। और इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स ही परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर ड्राइंग नहीं सीखता है तो फिर वो ड्राइंग नहीं कर पाता, या तो प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है या फिर बच्चे के पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो मैं आज बहुत ही ईजी वे में बताऊँगी कि बच्चे अगर फर्स्ट डे ड्राइंग क्लास करें तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। अभी ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चे बाहर भी नहीं निकल पा रहे, या जब स्कूल भी जाते हैं तो इतना थक जाते हैं कि घर आने के बाद बच्चे के पास टाइम नहीं बचता या इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि बच्चा फिर निकल के जाए और ड्राइंग क्लास करे। तो आप इजीली ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। टीचर ही आपके घर पर आकर डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास करवा सकता है। तो मैं इसके थ्रू बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट डे किस तरह से क्लासेस अटेंड करने चाहिए और क्या क्या चीज़ होता है फर्स्ट डे। तो मैं कैमरा नीचे करती हूँ, आप ध्यान से देखें कि फर्स्ट डे क्लासेस में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लाइंस खींचने बच्चे को बोलेंगे विदाउट स्केल। सीधा पेज के फर्स्ट होने से लेकर लास्ट तक बच्चे को इस तरह से स्लिपिंग लाइन खींचने बोले, विदाउट रूलर यूज़ किए बगैर। ऐसे कम से कम 10 times 20 times बहुत लोगों को मैंने देखता, वो अगर उन्हें लाइन खींचने बोला जाए तो वो ऐसे डॉट 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 करते हैं और फिर उस लाइन को मिलाते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होती है। हैंड को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट भी अभी भी जब ड्राइंग शुरू करते हैं तो 10 minutes पहले इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से कम से कम 10 times 20 times इस तरह से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे हैंड बिल्कुल फ्री हो जाता है। एक बार लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट, ये हो गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड जो है, हम अप टू डाउन आएंगे। इस तरह से बच्चे को आप फ्री हैंड लाइन अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह बच्चे को फ्री हैंड आप लाइन खींचने की प्रैक्टिस करवाइए विदाउट रूलर। बच्चे को आप खींचने बोले, देखिए वो बिना रूलर का लाइन खींच ही नहीं पाया। तो फर्स्ट डे में मैं यही करवाती हूँ। ओके, उसके बाद आप बच्चे को सर्कल बनाने बोलिए। अगर बच्चा सर्कल नहीं बना पा रहा तो उसे किसी टूल को यूज़ करके सर्कल बना दीजिए और उसे बार बार बोलिए इस तरह से लाइन खींचने। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ इस तरह से प्लस बना देते हैं और फिर इसे मिलाकर सर्कल बना देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। भले आपको सर्कल बनाने नहीं आए, लेकिन आप उसे सर्कल किसी चीज़ से टूल से बना के दीजिए और बार बार हैंड को इस तरह से राउंड करने के लिए बोलिए। इससे हैंड फ्री होगा। उसके बाद थर्ड टिप मेरा ये, उसके बाद है स्लैंटिंग लाइन। बच्चे को बार बार इस तरह से अप टू डाउन, डाउन टू अप करना चाहिए। ये एक तरह से हैंड एक्सरसाइज है। बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चा किसी भी चीज़ पर इजीली कंसंट्रेट कर पाता है। उसके बाद मैं आऊँगी शेप्स पे। हर ड्राइंग जो बनती है वो किसी ना किसी शेप्स पे बनती है। तो किसी भी ड्राइंग को, कलरिंग या कुछ भी सीखने से पहले शेप्स का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हम ड्राइंग को बनाने जा रहे हैं वो किस शेप में है। जैसे अगर किसी का फेस हम ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले आपको ध्यान रखना होगा कि वो एक सर्कल में, जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ कि हम एक एलिफेंट बना रहे हैं, तो ये एक सर्कल दे दिया, ये एक सर्कल दे दिया। अब इसी को हमें इस तरह से शेप से एलिफेंट बनाना होगा, ठीक है। तो जब तक आप सिर्फ, जैसे किसी फ्लैग को बनाना है तो हमें ट्रायंगल शेप बनाने आएगा तभी हम फ्लैग को बना सकेंगे। जैसे ये हमने, ये अभी जैसे मैंने लाइंस के बारे में बताया, तो ये एक मैंने ये स्टैंडिंग लाइन दे दी और यहाँ से मैंने ट्रायंगल शेप दे दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फ्लैग बन गया। तो देखिए मैंने शेप को यूज़ किया तभी हमारा फ्लैग बना। जैसे कर्व्स लाइन, ये एक बार ऐसे, एक बार इस तरह से,
तो जब तक हम कर्व्स लाइंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि जैसे मान लीजिए हमें किसी आइसक्रीम को ड्रॉ करना है, तो इस तरह से टर्न करेंगे हम कर्व लाइन को अपोजिट साइड से तो ये हमारा आइसक्रीम रेडी है। जैसे हमने कोई सिंपल सा चॉकलेट टॉफी बनाना है तो जब हमें ओवल शेप के बारे में पता होगा, ट्रायंगल शेप के, जैसे ये हमारी फिश बन गई, तो जैसे हमें इन शेप्स के बारे में पता होगा तभी हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डे में हमें ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, जैसे कोई हट बनाना है तो पहले हमें स्क्वायर्स या रेक्टेंगल के बारे में जानना होगा तभी हम कोई ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर और ट्रायंगल से हम किसी घर को कैसे बना सकते हैं, तो पहले मैंने इस तरह से ट्रायंगल दिया और फिर यहाँ से हमें रेक्टेंगल, देखिए हमारा घर रेडी हो गया। तो जब तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद है सेट्स, शेप्स, आउटलाइंस, जिसे हम आउटलाइंस बोलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में फर्स्ट डे हमें पढ़ाना चाहिए या सिखाना चाहिए। फिर डार्क एंड लाइट एरिया के बारे में पता होनी चाहिए कि लाइट, जैसे ये कोई बॉल है, ये एक बॉल है, और जैसे मान लीजिए सन का लाइट इधर से आ रहा है तो ये हमें पता रहना चाहिए कि ये जो लाइट जब पड़ रही तो ये एरिया हमारा लाइट होगा और बैक साइड अंधेरा है तो ये एरिया हमारा डार्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डार्क एंड लाइट का शेड पता कर सकेंगे तभी हमें शेडिंग इफेक्ट पता चलेगी। उसके बाद है फ्लिकिंग। फ्लिकिंग क्या होती है, किसी भी कलरिंग को करने के लिए पहले हमें स्ट्रोक्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रोक्स क्या क्या होते हैं। जैसे स्ट्रोक्स देखिए इसे कहते हैं, फर्स्ट मैं बता रही हूँ स्ट्रेट फ्लिकिंग, ठीक है। स्ट्रेट फ्लिकिंग किसे कहते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे ये एक दूसरे से सटने, ग्रास हो, किसी भी चीज़ में शेड देना हो तो इसे हम फ्लिकिंग कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्लिकिंग। दूसरा हम होंगे थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब मोटा सा, इसी में थिक एंड थिन आ गया। और उसके बाद हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट, एक बार हमें लंबा लेना है, एक बार हमें छोटा लंबा, इससे आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट का। और उसे फ्लिकिंग के बारे में, इसमें बहुत तरह के कम से कम 5 तरह के फ्लिकिंग्स होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन मैंने आपको 2 तरह का फर्स्ट डे में समझाया है, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ 5 के बारे में समझा दूंगी तो आप एक भी नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ में शेड देने के लिए हम फ्लिकिंग, लाइट एंड डार्क का शेड पता होना चाहिए, एरिया में कैसा लाइट और डार्क पड़ रहा है, किसी भी सीनरी में कलर्स करने के लिए या शेडिंग करने के लिए कैसा हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता होना चाहिए। वही मैं पहले क्लास में बताती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने लाइनिंग्स के बारे में बताई, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आपको यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।